आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए, 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है, 8-11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। आपने पूरा वीडियो देखा। एक तरफ 8 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा में दी गई स्पीच का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ 9 फरवरी को राज्यसभा में दिए गए भाषण का। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने संसद में नल जल योजना का आंकड़ा पेश करते हुए झूठ बोला। ये भी लिखा जा रहा है कि मात्र 21 घंटे में 3 करोड़ लाभार्थी कैसे बढ़ गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 फरवरी को ये वीडियो ट्वीट कर तंज कसा। बस इतनी ही तेजी से उनके मित्र की संपत्ति बढ़ती गई। इसी तरह के दावों के साथ और भी कई ट्वीट्स वायरल हैं। इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में झूठ बोला? क्या एक दिन में नल जल योजना के 3 करोड़ लाभार्थी बढ़ गए? या मोदी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले इस दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने संसद टीवी के यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी का 8 फरवरी को लोकसभा में दिया 1.5 घंटे का पूरा भाषण सुना। 57 मिनट 31 सेकंड पर मोदी ने नल जल योजना पर बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए, 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है, वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी, तुम्हारी गलतियों को, गालियों को कैसे स्वीकार करेगी। इसके बाद हमने 9 फरवरी को राज्यसभा में दिया प्रधानमंत्री का भाषण सुना। 13 मिनट 20 सेकंड पर नल जल योजना पर मोदी बात करते हुए कहते हैं, हम सरकार में आने तब तक सिर्फ 3 करोड़ घरों तक नल से जल मिलता था। आदरणीय सभापति जी, पिछले 3-4 साल में आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। भारत पानी की समस्या जो हर परिवार की समस्या होती है, जीवन में उसके बिना चल नहीं सकता, और भविष्य के संभावनाओं को भी देखते हुए हमने उसके समाधान के रास्ते चुने। इन आंकड़ों की सच्चाई जानने के लिए हमने भारत सरकार की वेबसाइट ejalshakti.gov.in का रुख किया। उसके अनुसार जल जीवन मिशन के तहत 15 अगस्त 2019 तक लगभग 3.25 करोड़ घरों तक इस योजना का फायदा पहुंचा था, और आज की तारीख में यह आंकड़ा 11 करोड़ के पार पहुंच चुका है। यानी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लगभग 8 करोड़ घरों को इसका फायदा पहुंचा, और यही 8 करोड़ वाला आंकड़ा प्रधानमंत्री ने 8 फरवरी को लोकसभा में पेश किया था। फिर 9 फरवरी को राज्यसभा में जो 11 करोड़ की संख्या बताई गई, वो जल जीवन मिशन के तहत फायदा पाने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या है। तो नतीजा ये निकला कि लोगों ने मोदी के 2 अलग अलग बयान, जो अलग अलग संदर्भों में दिए गए, उनसे क्लिप काट कर भ्रामक दावे के साथ उसे पेश किया। यानी हमारी पड़ताल में कांग्रेस का वो दावा झूठा निकला। ऐसे ही वायरल दावों की सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए पड़ताल। मेरा नाम है सोनल। शुक्रिया।